जो मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। पहला था बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान तत्वों के, और दूसरा था वो तत्व जिनके गुणधर्म समान हैं उनको एक साथ रखना। इसलिए जो तत्व जिनके गुणधर्म समान थे उनको एक ही ग्रुप में रखा जाए, इस बात को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने टेबल में कुछ खाली जगह, कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। और ये रिक्त स्थान इसलिए भी छोड़े गए थे ताकि उस समय जो तत्व ज्ञात नहीं थे, अगर भविष्य में उनको ज्ञात किया गया तो वो इन गैप्स में, इन रिक्त स्थानों पे रखे जाएंगे। जिन अज्ञात तत्वों के लिए पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने रिक्त स्थान छोड़ा था उसको उन्होंने नाम दिया था एका बोरोन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। एका शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है पहले या प्रथम। इस प्रकार से एका बोरोन का मतलब हुआ पहले बोरोन, फिर वो अज्ञात तत्व। जब इन तत्वों के बारे में जाना गया, इनको खोजा गया, तब एका बोरोन का नाम स्कैंडियम रखा गया, एका एल्युमिनियम का नाम गैलियम रखा गया और एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम रखा गया। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की दूसरी उपलब्धि थी कि आवर्त सारणी में अपने स्थान के आधार पर कुछ तत्वों के गुणों के बारे में जाना जा सकता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम और गैलियम दोनों ही तत्व हैं। एक एल्युमिनियम वो तत्व है जो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में ये सोचकर खाली जगह छोड़ दी थी कि अगर भविष्य में कोई खोज की जाएगी तो वो तत्व इस तत्व के गुणधर्म के आसपास होगा या समान होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एका एल्युमिनियम का जो परमाणु द्रव्यमान उस टाइम मेंडलीव ने सोचा था, निकाला था, वो था 68। और वास्तव में जब गैलियम की डिस्कवरी हुई तो उसका द्रव्यमान 69.7 आया। ऑक्साइड और क्लोराइड का सूत्र एका एल्युमिनियम का और गैलियम का सेम है, E2O3 और GA2O3, ECl3 और GaCl3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अपने पोजीशन के आधार पर ही कुछ एलिमेंट्स के गुणों के बारे में जाना जा सकता है। इनकी तीसरी उपलब्धि थी अक्रिय गैसों को इनके मेंडलीव के आवर्त सारणी में जोड़ना। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तब सिर्फ 63 तत्वों के बारे में पता था, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। पर बहुत बाद में जब इनकी खोज हुई तो इनको एक अलग ग्रुप, अक्रिय गैसेस का नाम देकर एक अलग ग्रुप में रखा गया और इसको मेंडलीव के ही टेबल में एक अलग स्थान दे दिया गया। लेकिन इनको मेंडलीव के टेबल में रखने से मेंडलीव के बचे हुए टेबल में कोई भी डिस्टरबेंस या छेड़खानी या कुछ भी नहीं हुई। इस तरह मेंडलीव की आवर्त सारणी काफ़ी हद तक सफल रही। अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके सारणी की लिमिटेशन थी। तो एक लिमिटेशन ये थी कि मेंडलीव ने कुछ भारी तत्वों को पहले रखा और हल्के तत्वों को बाद में रखा। लेकिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मेंडलीव की जो टेबल थी उसका आधार ही क्या था, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में तत्वों को अरेंज करना, व्यवस्थित करना। इस प्रकार से हल्के तत्व पहले आने चाहिए और भारी तत्व बाद में। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं और पाते हैं कि कहीं कहीं पे भारी तत्व पहले आए हैं और हल्के तत्व बाद में। मेंडलीव ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे उनको एक ही ग्रुप में रख सकें। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का जो द्रव्यमान होता है परमाणु वो है 58.9 और निकल का परमाणु द्रव्यमान है 58.7। लेकिन लेकिन कोबाल्ट को पहले रखा गया है रोडियम के ग्रुप में, रोडियम के साथ, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत मैच करती है। दूसरी लिमिटेशन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की ये थी कि इनके पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों के समस्थानिक थे यानी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स थे उनको स्थान नहीं मिल पाया। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आइसोटोप्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए इनके टेबल में। तो सबसे पहले ये बच्चों के आइसोटोप्स या समस्थानिक होते क्या हैं?
ये सेम एलिमेंट के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं, लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। इन आइसोटोप्स को एक ही ग्रुप में रखने का कारण मेंडलीव ने एक्सप्लेन नहीं किया। मेंडलीव की एक आखिरी लिमिटेशन टेबल की ये थी कि मेंडलीव ने अपने टेबल में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया या नहीं दे पाए। अपने टेबल में हाइड्रोजन को मेंडलीव ने फर्स्ट ग्रुप में रखा है क्योंकि ये अल्कली मेटल्स की तरह होते हैं, जैसे कि अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन, हैलोजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं और कंपाउंड्स या यौगिक बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन, हैलोजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिमिलर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला के यौगिक को बनाता है। इसी आधार पर मेंडलीव ने हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में रखा, लेकिन हाइड्रोजन के कुछ गुण हैलोजन्स यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ भी मिलते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब F2Cl2Br2 इस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक रूप में एग्जिस्ट करता है, जैसे H2। हैलोजन्स की तरह ही हाइड्रोजन भी कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है और कुछ अधातुओं के साथ कोवेलेंट यौगिक बनाता है, यानी ससंयोजक यौगिक बनाता है। इसके आधार पर हाइड्रोजन को ग्रुप 7 में होना चाहिए। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 और ग्रुप 7 दोनों में रखा जा सकता है, इसलिए मेंडलीव ने इन्हें सही स्थान नहीं दिया। बच्चों, इस प्रकार इन लिमिटेशन से ये कन्फर्म हो जाता है कि तत्वों को अगर हम परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त वर्गीकृत करेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए परमाणु संख्या को आधार बनाकर तत्वों को वर्गीकृत करना स्टार्ट किया गया।